हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास वन साइंस के चैप्टर वन थिंग्स अराउंड अस के जो वीकली एग्जाम किए थे उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखो, नंबर ए, पुट ए टिक ऑन द करेक्ट पिक्चर्स। करेक्ट पिक्चर्स के ऊपर टिक करना है जो करेक्ट आंसर होगा। वन, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स या वाटर। पेड़ कहाँ से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं? बीज से, ये सीड से। तो मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, सीड्स के ऊपर ऐसे टिक करना, ये करेक्ट आंसर है। देन नंबर टू, लिविंग थिंग्स नीड डेक्स। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, स्टिक्स चाहिए या खाना चाहिए, फूड? तो फूड होगा, जो जीवित होता है जिसके अंदर जान होता है वो खाना खाता है कि नहीं खाता है, तो उसको फूड चाहिए, तो फूड के ऊपर ऐसे टिक करना। देन नंबर थ्री, बॉय या बैट इज ए नेचुरल थिंग। ये दोनों में से कौन नेचुरल है, नेचुरल मतलब जिसको, जिस चीज़ को नेचर ने बनाया होता है, तो बॉय होगा क्योंकि बैट को तो इंसान बनाता है, तो बॉय इज ए नेचुरल थिंग, बॉय के ऊपर टिक करना। देन नंबर फोर, रैट अब्लिक बॉल इज ए नॉन लिविंग थिंग। ये दोनों में से कौन सा चीज़ नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर जान नहीं होता है, जो जीवित वस्तु नहीं होता है। रैट के अंदर जान होता है, चूहे के अंदर, लेकिन बल के अंदर जान नहीं होता है, ये जीवित नहीं है, तो बल करेक्ट आंसर होगा। बल इज ए नॉन लिविंग थिंग, तो बल के ऊपर ऐसे टिक करना। देन नंबर बी, मेक ए स्माइल फॉर करेक्ट पिक्चर एंड ए सैड फॉर इनकरेक्ट पिक्चर। ये दोनों में से जो करेक्ट पिक्चर है उसके पास ऐसे स्माइल का पिक्चर बनाना, और जो इनकरेक्ट है वहाँ पर ऐसे शेड का पिक्चर बनाना है। तो देखो, ए बुक मूव्स, बुक मतलब किताब, किताब चलता है क्या, मूव्स करता है, नहीं करता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट का ऐसे शेड वाला पिक्चर बनाना, ठीक है। देन ए काओ ईट्स ग्रास, एक गाय घास खाता है कि नहीं खाता है, तो ए काओ ईट्स ग्रास, ये करेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसे स्माइल का पिक्चर बनाना। देन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, नेचुरल थिंग, मैनमेड थिंग, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और इस तरफ है बुक, स्टोन, सन, पैरट। नेचुरल थिंग मतलब जिसको नेचर ने बनाया है, जो चीज़ों को, मैनमेड मतलब जिसको इंसान ने बनाया है, लिविंग मतलब जिसके अंदर जान होता है, जो जीवित होता है, और नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर जान नहीं होता है। तो नेचुरल थिंग सन है, इसको नेचर ने बनाया है, इसीलिए नेचुरल थिंग के साथ सन को मैच करना। देन मैनमेड थिंग, जिसको इंसान ने बनाया है, बुक को इंसान ने बनाया है, तो मैनमेड थिंग के साथ बुक को मैच करना। देन लिविंग थिंग्स, पैरट, तोता, पैरट के अंदर जान होता है, वो जीवित होता है, तो लिविंग थिंग के साथ पैरट को मैच करना, और नॉन लिविंग थिंग के साथ स्टोन को मैच करना, क्योंकि पत्थर के अंदर जान नहीं होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है स्टोन। ऐसे ही आप ए बी सी का आंसर करेक्शन करना।